morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. Students, this is your computer class and this is your computer book. Okay? So, students, open page number 21. Chapter number 3, Uses of Computer. So, before starting this chapter, put a date here. Today's date is 11 June 2021. Okay? Let's start. Uses of computers. In this chapter we will discuss about uses of computer different places. Okay, how computer are used in daily life. So let's start. Computer are everywhere. That's right. You can even use computer to share information with the people all over the world. With the use of computer, we can share different types of information with people all over the world. Okay? But what if I don't know how to use a computer? Anyone can learn and you will have fun too. So, in this chapter, we will discuss about how computers are used in daily life, how computers are used in different places, home, school, office, bank, cinema, railway station, airport, bus depots and hospitals. Okay? आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है डिफरेंट प्लेसेस पे. So let's start. Computer in daily life. Computer का हमारी daily life में क्या important है, क्या importance है computer का. So the computer is a smart machine. You know very well, computer is a smart machine. So you have to underline this sentence, this statement. Computer is a smart machine. Okay? If somebody asks you what is computer, so क्या बोलोगे आप लोग, computer is a electronic machine. Okay? There are many ways in which we can use a computer. बहुत सारे ऐसे ways हैं जिनमें हम computer का use कर सकते हैं. Okay? With the using of computer, we can play games. हम कंप्यूटर की हेल्प से गेम प्ले कर सकते हैं. वी कैन वॉच मूवीज़, हम मूवीज़ देख सकते हैं, है ना, कंप्यूटर्स में मूवीज़ भी देख सकते हैं. वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व सम्स भी जो हैं वो हम कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं. टू टीच एंड लर्न, हम कंप्यूटर की हेल्प से टीच भी करा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, टीच भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के हेल्प से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, हम कंप्यूटर्स पे पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं. टू स्टोर मूवीज़, बुक्स, म्यूज़िक एंड फोटोग्राफ्स, कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मूवीज़ को स्टोर कर सकते हैं कि हमें कभी भी कोई भी मूवी देखनी हो, हमने प्ले किया और हमने उस मूवी को वॉच किया. म्यूज़िक स्टोर कर सकते हैं, अपने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स को स्टोर कर सकते हैं, जो ओल्ड फोटोग्राफ्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं. ओके? टू सेंड और रिसीव ईमेल्स, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन सेंड और रिसीव ईमेल्स, हम कंप्यूटर की हेल्प से ईमेल्स को भी रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हैं. टू टाइप लेटर ऑफ और राइट अ डायरी, हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं. अपनी डेली लाइफ की जो भी रूटीन है उसको हम एक डायरी प्रिपेयर करके उसको भी कंप्यूटर पे राइट कर सकते हैं. ओके? सो कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर. कंप्यूटर्स क्या है, हर जगह है. द कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन, कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल मशीन है. इट इज़ यूज्ड इन मैनी वर्क प्लेस, ये बहुत सारे वर्क प्लेस पे यूज़ की जाती है. लेट्स सी वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, चलो देखते हैं कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. सबसे पहले एट होम,
अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप उसका क्या यूज़ कर सकते हो, प्लेइंग गेम्स आप उस पर गेम खेल सकते हो, लिसन टू म्यूज़िक आप उस पर म्यूज़िक सुन सकते हो, वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स आप कंप्यूटर पे मूवीज़ वॉच कर सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो, और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। ओके नाउ एट स्कूल टीचिंग विथ एनिमेशन एंड एजुकेशनल मूवीज़। स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? With the help of computer, we can teach different animated movies. We can watch different animated movies regarding different types of, about different types of topics. Means, आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसकी एक एनिमेटेड मूवीज़ देख सकते हो या क्लिप्स देख सकते हो, है ना, जो कि हमारे टीचिंग में हमें बहुत हेल्पफुल होती है। एजुकेशनल मूवीज़ भी आप उस पर देख सकते हो। Doing calculation with the help of computer, we can do different types of calculation, है ना, बहुत सारे calculation भी हम कर सकते हैं। Keeping records of library books, आपके school में libraries होती हैं और libraries में बहुत सारी books होती हैं, so उनका जो भी record है, उनकी उन सारी books का record हम computer पे एंट्री कर सकते हैं। ओके सारे रिकॉर्ड्स को हम रख सकते हैं। प्रिपेयरिंग वर्कशीट एंड मार्कशीट, यस आपकी जो भी मार्कशीट है ना, जब आप नेक्स्ट क्लास पे जाते हो तो आपको एक मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से प्रिपेयर होती है। वर्कशीट्स, मैम आपको बहुत सारी वर्कशीट्स देती हैं कंप्लीट करने के लिए, सो ऑल द वर्कशीट्स एंड मार्कशीट इज़ प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। Storing details of student and teachers with the help of computer, we can store details of student or teacher. हम इस कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल्स कि वो कौन सी क्लास में, उसके फादर का क्या नेम है, उसके मदर का क्या नेम है, और टीचर्स की सारी डिटेल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। At railway stations, airport, bus depots and cinemas. आप लोग सब लोग सिनेमा जाते हो, मूवीज़ देखने जाते हो, या रेलवे स्टेशन जाते हो ट्रेन से किसी वन प्लेस से टू अदर प्लेस में जाने के लिए, तो इन सब में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? रिजर्विंग एंड बुकिंग टिकट्स, आप जो भी टिकट्स लेते हो वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू, ना। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टाइमिंग, कंप्यूटर्स में हम टाइमिंग का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी ट्रेन या कौन सी बस या कौन सी प्लेन किस टाइम पे जाने वाली है। ओके सो एट बैंक्स, स्टोरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स। बैंक में क्या होता है कि बैंक के बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स को बैंक जो है वो कंप्यूटर पे स्टोर करके रखता है। सपोज आपके फादर बैंक गए तो उन्होंने अपना नेम बताया, अकाउंट नंबर बताया, तो उससे उनकी सारी डिटेल्स सामने आ जाती है कि उनके अकाउंट में कितनी मनी है, उनके फादर का क्या नेम है, उनके मदर का क्या नेम है, क्या एड्रेस है। ओके सारी इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर की होती है बैंक में वो कंप्यूटर पे स्टोर रहती है। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूज़ होता है। विदड्रॉ ट्रांसफरिंग मनी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन विदड्रॉ मनी और ट्रांसफरिंग मनी। हम कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं, मनी को निकाल भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी और पर्सन को। ओके डिड यू नो दैट एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम तो आप सभी ने देखा होगा, क्या एटीएम का फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं। द फुल फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अंडरलाइन दिस। ओके अंडरलाइन करिए इसको सब लोग, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके इट इज़ अ कंप्यूटराइज मशीन यूज टू विदड्रॉ मनी। एटीएम से हम क्या करते हैं, मनी को विदड्रॉ करते हैं, मीन्स कंप्यूटर एटीएम की हेल्प से हम मनी को निकालते हैं। एट द हॉस्पिटल्स कैरिंग आउट टेस्ट ऑन पेशेंट्स, हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो भी टेस्ट डॉक्टर लिखता है ना, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से प्रोवाइड हो जाते हैं हमें। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट,
जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं या जो भी एडमिट रहते हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स को हम कंप्यूटर पे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो भूल जाएंगे कौन से बेड पे कौन सा पेशेंट है, उसका उसको कौन सी डिजीज़ या कौन सी प्रॉब्लम है ना। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम उस पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स को वॉच कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, हम मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। ओके, ना इन द शॉप्स, शॉप्स तो आप सभी जाते हो मम्मा के साथ सामान लेने, मॉल्स में जाते हो ना, तो क्या यूज़ है वहाँ पे कंप्यूटर का। प्रिपेयरिंग बिल्स, आपको जो बिल्स प्रोवाइड किया करता है शॉपकीपर वो किससे प्रिपेयर होता है, कंप्यूटर से। ओके, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स, शॉप्स में या मॉल्स में कितने सारे आइटम्स होते हैं, क्या सारे आइटम्स को याद कर पाना इजी है, नो। तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, सारे आइटम्स और सारे स्टॉक्स एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है, और वो रिकॉर्ड कहाँ क्रिएट करता है, कंप्यूटर पे। तो सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास कंप्यूटर पे स्टोर रहता है। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द शॉप्स, बिल्स क्रिएट करने में, रिकॉर्ड्स रखने में। ओके, ना इन द ऑफिसेस, ऑफिसेस में क्या यूज़ है कंप्यूटर का, स्टोरिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। आप सबके पापा ऑफिस जाते हैं है ना, तो ऑफिस में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ का, वर्कर का रिकॉर्ड स्टोर करके रखता है, ठीक है, कि उसके क्या डिग्रीज़ हैं, उसने क्या क्या वर्क किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उसके, है ना, वो सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर, ऑफिस के कंप्यूटर पे हम स्टोर करके रखते हैं। सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स, बहुत सारे ऑफिस में हम ईमेल्स के थ्रू वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ईमेल्स को सेंड करते हैं दूसरी कंपनीज़ को, उनके ईमेल्स को हम रिसीव करते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के ईमेल्स में उसके मैसेजेस को हम रिसीव और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग रिपोर्ट्स, ऑफिस में हम अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ना, रिपोर्ट्स बनाते हैं कि आज का हमारा क्या टारगेट है, क्या प्रोसेसिंग हुई आज की हमारी, क्या हुआ, सब कुछ सारा रिकॉर्ड जो है वो हम कंप्यूटर पे क्रिएट करते हैं, राइटिंग रिपोर्ट्स। ओके, अंडरस्टूड कि कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस वी कैन यूज़ कंप्यूटर, द डिफरेंट प्लेसेस एवरीवेयर कंप्यूटर आर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का क्या यूजेस है डिफरेंट प्लेसेस में, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम, एट स्कूल, एट बैंक, एट हॉस्पिटल्स, इन द शॉप्स, ओके, इन ऑफिसेस। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। सो आपको क्या करना है, टुडे रीडिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, यू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एटलीस्ट वन और टू टाइम्स एटलीस्ट। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।